नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बीच में क्या अंतर होता है। डीएनए आरएनए के बीच में अंतर में बात करेंगे, किस किस बेस पे बात करेंगे, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के बेस पे भी हम बात करेंगे। आपका ये जो टॉपिक है ये फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी एजी के लिए सुटेबल है। चलो तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर बेस पे देखेंगे। डीएनए क्या है? डीएनए एक डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है जिसमें न्यूक्लियोटाइड की एक बहुत ही लंबी श्रृंखला होती है जिसे हम बी टाइप हेलिक्स कहते हैं। और वहीं पे अगर हम आरएनए की बात करें तो इसमें एक सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी सी श्रृंखला होती है, इसे एक प्रकार का हेलिक्स कहा जाता है, ए टाइप का हेलिक्स कहा जाता है। अब हम अगर फंक्शन के बेस पे डीएनए आरएनए में अंतर की बात करें तो जो अन्य कोशिकाओं और नए जीवों को बनाने के लिए जो आनुवंशिक जानकारी को प्रसारित करता है और आनुवंशिक जानकारी का जो लंबे समय तक लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए भंडारण के लिए काम आता है वो आपका डीएनए आता है। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो ये प्रोटीन बनाने के लिए आनुवंशिक कोड को न्यूक्लियस से जो राइबोसोम के थ्रू प्रोटीन बनाने के लिए जो स्थानांतरित करता है, तो ये मेन फंक्शन इसका क्या है, प्रोटीन को बनाना आनुवंशिक कोड से राइबोसोम को जोड़ के रखना। ये आपके फंक्शन के बेस पे डीएनए और आरएनए में अंतर है। अब हम अगर फंक्शन के बाद बात करें प्रोपेगेशन बेस पे, तो प्रोपेगेशन बेस पे जो डीएनए है इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन होता है, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग नेचर का होता है, अपने आप ही रिप्लिकेट होता रहता है। वहीं पे अगर हम आरएनए की बात करें तो ये इसका हम संश्लेषण करते हैं डीएनए से, ये किससे, डीएनए से संश्लेषित होता है। वहीं पे अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो जो डीएनए है वो फॉस्फेट शुगर बैक जो है उसकी जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन बेस को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसी से जुड़ के बने हुए होते हैं। वहीं पे अगर हम आरएनए की बात करें तो राइबोस शर्करा है उसमें आपका एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल बेस होते हैं, तो ये आपके कंपोजिशन में काम आता है। अभी हम आपको इसके बारे में और जब फिगर दिखाएंगे तो बताएंगे। इसके बाद लोकेशन, कहाँ कहाँ पे आपका डीएनए पाया जाएगा, कहाँ आपका आरएनए होगा, तो जो डीएनए होता है आपका 95% डीएनए जो है वो आपके कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को जोड़ दिया तो ये 100% ही हो जाता है, तो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित, और कुछ छोटी सी मात्रा में आपका प्लास्टिड में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी ये लिखेंगे कि लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। वहीं पे अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड इन द राइबोसोम, तो ये कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, केंद्रक में भी पाया जाएगा और राइबोसोम में भी पाया जाता है आरएनए। तो आरएनए जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है, ये आपकी लोकेशन में डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन बेस और पेयरिंग की बात करें तो इसमें जीसी पेयर्स होता है, गुआनिन विद साइटोसिन और एटी का पेयर एडेनिन विद थाइमिन। चूंकि अगर हम बात करें आरएनए में तो आपका थाइमिन होता नहीं है, तो जब आरएनए में थाइमिन नहीं होगा तो इसका एयू सिस्टम होता है, तो अब जीसी इसमें भी होता है, गुआनिन का जो पेयर होता है जोड़ा बनता है वो किसके साथ बनता है, साइटोसिन के साथ, और एडेनिन का बन जाता है आपका थाइमिन की जगह यूरेसिल के साथ। तो ये इनके बेस पेयरिंग में डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए में। अब हम मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 से 6 मिलियन 2 to 6 मिलियन
बेस पेयर तक होता है। वहीं पर अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए का 25,000 से 2 मिलियन तक होता है। तो ये इनमें डिफरेंट है, 2 मिलियन से ज़्यादा आपको आरएनए के बेस पेयर्स नहीं मिलेंगे। अब हम स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो डीएनए आरएनए की तुलना में बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, अधिक स्टेबिलिट है। और डीएनए जो है वो एल्कलाइन कंडीशंस में भी स्थिर रहता है। अगर हम वहीं पर आरएनए की बात करें तो डीएनए की तुलना में आरएनए बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, जो रिएक्टिव हो जाता है, और क्षारीय स्थितियों में ये एल्कलाइन कंडीशन में अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता है। तो ये स्टेबिलिटी का डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम डीएनए और आरएनए में अल्ट्रावायलेट रेज की सेंसिटिविटी की बात करें, संवेदनशीलता की बात करें, तो डीएनए जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज के प्रति संवेदनशील रहता है, क्षति के प्रति। और वहीं पर अगर हम आरएनए की बात करें तो डीएनए की तुलना में जो आरएनए है उसमें कम हो क्षति कम होती है डीएनए की तुलना में आरएनए में, क्योंकि जो डीएनए आरएनए में जो प्रकाश से होने वाली क्षति है वो उसके प्रति वो कैसा होता है, प्रतिरोधी होता है, रेजिस्टेंट टाइप का होता है। तो ये अगर हम एक छोटी सी बात में कहें तो डीएनए की तुलना में आरएनए अल्ट्रावायलेट रेज के प्रति रेजिस्टेंट है और डीएनए कैसा होता है, सेंसिटिव होता है। अगर हम तीन डिफरेंट टाइप के डीएनए, अगर हम टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करें तो तीन टाइप के डीएनए आपके हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ए टाइप का डीएनए, ये इसकी जो कॉइलिंग होती है वो दाएं हाथ की तरफ राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, और ये डबल हेलिक्स होता है और एक तरीके से सिमिलर होता है बी डीएनए के फॉर्म की तरह। अगर हम बी डीएनए की बात करें तो ये कॉमन डीएनए होता है, जनरल डीएनए जिसे हम कहते हैं। हर ये भी राइट हैंड की तरह भी कॉइलिंग इसकी होती है दाहिने हाथ की तरफ, और ये क्या बनाता है, एक राइट हैंडेड हेलिक्स का निर्माण करता है। वहीं पर जेड डीएनए की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा अलग होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जिग जैग होता है, जिग जैग मतलब जेड आकार का। और वहीं पर ये इसकी जो कॉइलिंग होती है वो लेफ्ट हैंड की तरफ होती है, उल्टे हाथ की तरफ होती है। तो यही ये तीन डीएनए हैं। इसके बाद अगर हम आरएनए के प्रकार की बात करेंगे तो आरएनए आपके चार प्रकार के होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होता है मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है, एमिनो एसिड के सीक्वेंस को इनकोड करता है, किसमें, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स में। और वहीं पर अगर हम ट्रांसफ़र आरएनए की बात करें, जिसे हम टीआरएनए से डिनोट करते हैं, तो ये एमिनो एसिड्स को राइबोसोम में कन्वर्ट करता है या ले जाता है, कब, ट्रांसलेशन के टाइम, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और जो राइबोसोमल आरएनए है तो उसे हम आरआरएनए से डिनोट करते हैं, और विद राइबोसोमल प्रोटीन मेक्स अप द राइबोसोम्स द ऑर्गेनिल्स दैट ट्रांसलेट मैसेंजर आरएनए। तो राइबोसोमल जो आरएनए है वो राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्या करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है या राइबोसोम से बनता है। उसके साथ ही ये जो ऑर्गेनिल्स, ऑर्गेनिल्स मतलब होता है जो कोशिका के अंग होते हैं, उनको ट्रांसलेट करता है किसमें, मैसेंजर आरएनए के रूप में। उसी जगह हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की अगर बात करें, इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है इसे हम स्मॉल फॉर्म में एसएनआरएनए लिखते हैं। ये क्या कहता है, इट फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स विद हेल्प प्रोटीन्स दैट आर यूज इन आरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट। तो ये एक तो सबसे पहली बात, ये प्रोकैरियोट्स में पाया नहीं जाता है। दूसरा, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है ये प्रोटीन के निर्माण के लिए सहायक होता है आरएनए की प्रोसेसिंग के समय में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये आपके इतने अंतर और ये टाइप रहे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर में अंतर दिखाएंगे, क्या क्या
अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए की, तो ये डबल स्टैंडर्ड स्टैंड्स होता है और इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। अगर उसी जगह हम आरएनए की बात करें तो इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड जो होती है वो शुगर पाई जाती है और फॉस्फेट बॉन्ड्स के साथ दोनों ही जुड़े होते हैं, ये चीज़ दोनों में कॉमन है। इसके साथ अगर हम बेस पेयर्स की बात करें तो बेस पेयर्स में अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो थायमीन है उसकी जगह आरएनए में यूरेसिल होता है, केवल इतना बेस पेयर्स में अंतर रहता है। बाकी आपका डीएनए में क्या रहेगा, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन। और उसी जगह हम बेस पेयर्स की अगर हम बात करें आरएनए में, तो आरएनए में आपके साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल, ये आपका स्ट्रक्चर में अंतर रहता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।